आज पांचवा दिन 14 वर्षीय अभी का शव बरामद किया गया। ज्ञात रहे पंचतीर्थी में मेले के दौरान नहाते समय एक बच्चा डूब गया था। उसके बाद स्थानीय लोगों के अलावा राहत बचाव की कई टीमें यहां बुलाई गई, किंतु कोई सफलता हाथ नहीं लगी। आज सुबह के समय शव कर लिया गया। राहत बचाव की टीमों के अलावा स्थानीय लोग दिन रात यहीं पर डेरा डाले रहे। सबको जिला अस्पताल बिलावर लाया गया, जहाँ पोस्टमार्टम के बाद मृतक अभी को वारिसों के हवाले कर दिया गया। So you can see here something like सर एक बहुत ही दुखद घटना थी। आज से पांच दिन पहले फिंतर का हमारा अपना अभी जो वह ये पानी में डूब गया था। उस दिन चेतर चौदिया का मेला था वहां पर और काफी सारे लोग आए थे और ये बच्चे भी घर से जिद करके नहाने चले गए। उधर ये बच्चा जो है वो डूब गया। आज पांच दिन की मेहनत के बाद जबकि सारी टीमें बचाव और राहत कार्य की सारी टीमें जो थी वो दिन रात लगी हुई थी और लेकिन ये जो बॉडी नहीं मिल रही थी, आज बहुत मुश्किल से ये बॉडी पाई गई। सर आप बच्चे के क्या लगते हैं? मैं बच्चे का जो डेड हुआ है, हाँ जी हाँ जी, मेरा समझ लो भतीजा लगता है, मामे के लड़के का लड़का है वो, भतीजा लगा। अच्छा, तो ये बच्चा गया था, इसके साथ और कौन कौन था? और चार पाँच बच्चे और भी थे, ठीक है जी, जो ये उधर नहा रहे थे तो उन बच्चों को देख के ये भी नहाने चले गए। क्या हुआ कि ये वो गिरे हैं, क्या हुआ जिसके बाद एक बच्चा तो डूब गया था, उसे जब बाहर निकाला गया तो उसने बताया कि एक बच्चा हो रहा है। अच्छा, जो बच्चा डूब गया था वो इसके साथ ही था? हाँ। वो रिश्तेदार थे जहाँ? हाँ, रिश्तेदार भाई है। अच्छा, रिश्तेदारी में भाई। अच्छा, वो बच्चा भी डूब गया था? हाँ। वो उसको बाहर किसने निकाला? उधर वो लोगों ने ही निकाला, पब्लिक ने, लड़कों ने, जो भी उधर नहा नू रहे थे उन्होंने निकाला उसको लास्ट टाइम में। जी जी। तो फिर उसका जो पानी पुनी निकाला तो उसको कोई एक डेढ़ घंटे बाद होश आई। होश आने के बाद फिर उसने शोर मचाया कि मेरा भाई भी इधर था। भाई मतलब अभी? हाँ, जो अभी बच्चा। हाँ, तो वो कहाँ है? तो जब फिर पता चला। अच्छा, मतलब आगे पीछे किसी को नहीं पता था कि यहाँ पे बच्चा कोई डूब गया है? नहीं, इनको किसी को नहीं पता, सब मेले में मस्त थे। तो जो बच्चा दूसरा डूब गया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था नितिन। उसने बताया? उसने बताया। अच्छा, उसने फिर लोगों को बताया होगा? लोगों को बताया जब उसको डेढ़ घंटे बाद होश आई। अच्छा सर, ऐसा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि जैसे बच्चे बच्चे गए होते हैं, कई बार शरारत में बच्चा कोई किसी को धक्का देता है या कुछ इस तरह से, आपको कोई? नहीं नहीं, उसमें कुछ नहीं है, ऐसे आया ही नहीं है, क्योंकि बच्चे हमारे घर के बच्चे हैं, कोई हमारे रिश्तेदार के बच्चे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है किसी पर हमें कोई शक है, दूसरे ने डाल दिया ऐसे। मतलब बच्चा खुद नहा रहा था और खुद ही, ये चीज क्लियर हो गई। और सर दूसरी बात ये है कि कितने दिन के बाद आज ये बॉडी मिली है? आज 6 दिन के बाद। अच्छा, तो सरकार की तरफ से किस तरह की मदद मिली मतलब आपको? सरकार ने बहुत बड़ा करा हमारे से, वहाँ से भेजे, इधर से भी आए हैं और गोताखोर भी आए हैं, आम पब्लिक अभी भी उधर मेला जान लगा था जिस टाइम हमने बॉडी। बात ही ऐसी थी ना कि छोटा बच्चा जो कि आपने सुनने में आया कि माँ बाप का अकेला बच्चा था, वो एक एक बच्चा था। शुक्रिया। हमारा बच्चा जो है ये अभी हमारे फिंतर का जो बच्चा ये पांच दिन से गुम था और आज इसकी सर बड़ी दुखद बात है, दुखद घटना हुई है और आज जो बच्चे की बॉडी जो है वो रिकवर कर ली गई है। तो सर इसमें किस किस ने अपना पूरा योगदान दिया, मतलब सिक्योरिटी किस तरह की थी वहाँ पे और कौन कौन लोग आए थे इसको, मतलब बचाव और राहत कार्य में कौन कौन लगा था? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा SDPO बिलावर का, SHO बिलावर और चौकी अफसर रामकोट, जिन्होंने डे एंड नाइट हम देखते थे कि जब हमारी ये सेकंड की बात, दो तारीख की बात है कि सभी प्रशासन और सभी लोग भूखे थे, तो हमने एक किसी को आवाज लगाई कि भाई कोई हमें खाना दे दो, हमारी सिक्योरिटी भूखी है, प्यासी है। तो वहाँ के लोकल जो थे कि एक कोई जीत सिंह, कोई रायपूत है लड़का, उन दो तीन लड़कों ने उन्होंने क्या किया कि हमें चावल बना के ऐसे ही ब्रिंज बना के दी जो कि हमने वहाँ खाई, और डेली हम सुबह जाते थे और रात को 9 बजे हम वापस आते थे। कहने का मतलब कि पुलिस फोर्स ने आपका पूरा साथ दिया और ये दिन रात मतलब उसको बच्चे को ढूंढने में इन्होंने लगाया डे एंड नाइट। और उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हम हमारी जेब से अगर पैसे भी लगते हैं तो भी हम लगाएंगे, और लगाए भी उन्होंने, और खासकर ट्रिप्लेक्स वालों ने जो हमारी मदद की, लोकल ट्रैक्टर्स ने हमारी मदद की, ये जो वाटर फ्लो था वहाँ से रोक दिया गया। सर कई तरह की टीमें जो वहाँ पे पहुँची हुई थी, तो लास्ट जो जैसे रिकवर हुई है बॉडी, ये किस तरह से हुई है सर? हाँ मैं और ये मतलब जो स्पॉट था उससे कितनी दूर ये बॉडी मिली है? हमें पहले ही शक था क्योंकि हम वहाँ के लोकल हैं, हमें पता है कि डाइपिंग जो हमारे डाइपर थे
वो डाउट जता रहे थे कि बॉडी वहां से चली गई है, क्योंकि वहां पानी का फ्लो बहुत ज्यादा था। और लास्ट में जहां वो बर्बरी के सामने यानी वो धार के नीचे एक वहां बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, बॉडी वहां से रिकवर हुई और बिल्कुल छोटे पानी से रिकवर हुई। और जाते ही वहां लड़के घूम रहे थे सुबह से 5:30 बजे से, लड़के दो टीमें लगी हुई थी हमारी, एक नीचे थी एक ऊपर थी, और थर्ड टीम को जो बच्चा मिला वहां तैरता हुआ थोड़े थोड़े पानी में। अच्छा, आज मतलब जो बॉडी मिली है ये तैरती हुई मिली, ये मुंह के बल पड़ी थी, ये तैरती हुई मिली। और जू ही जैसे ही खबर मिली तो सारे सब सर इस बच्चे के साथ जो दूसरे बच्चे नहा रहे थे शायद उनमें से भी आज जैसे पता चला है कि एक बच्चा और डूब गया था, और उसको एक घंटे के बाद जब होश आई है तो उसने ये चीज बताई है कि मेरे साथ मेरा एक भाई भी था। तो शायद सर जैसे कि मतलब आपको भी पता कि अगर उसी टाइम शायद अगर बच्चे बता देते इस तरह बच्चे को बचाया जा सकता था और एक घर का जो चिराग था वो बुझने से बच जाता सर। मैडम उसमें बात एक थी कि वहां से दो पोर्शन निकलते हैं उस समय रिवर के, जो बच्चा बह गया जो थी पुलिस ऑफिसर्स की और पुलिस प्रशासन की पूरा स्टाफ जो था ये बिल्कुल ऐसे लगा हुआ जैसे इनका अपना बच्चा है। और एसडीआरएफ की टीम भी कितने दिन? हाँ, एसडीआरएफ टीम की हमारे हमें एक ये बात बोलूं कि भींगे लोकल और भींगे लोकल डाइपर मैं बोलूं कि एसडीआरएफ टीम की उन्हें बहुत जोर लगाया, लेकिन मुझे इतना नहीं शक है कि इतना भी इतने वो सक्षम नहीं थे। पुलिस की जो पुलिस की बरामदी में ही जो डेड बॉडी मिली है, जो कि पानी डिवर्ट किया गया पुलिस की साइड। नहीं, इसमें कोई इसमें कुछ नहीं कह सकते आप। एक तो गार्ड गिफ्टर समझो, हम तो हमें शाम को जब 9 बजे रात को हम आए तो हम तो मेरे शोर बैठे थे कि हमें डेड बॉडी नहीं मिलेगी। तो बाबा हमने क्या किया, वो आरती करवाई, वहां जाके आरती करवाई, बाबा जी ने आगमन किया भोलेनाथ का, माता जी का, माता रानी का आगमन किया, तेरे नवराते पड़े हैं। सर इन 5 दिनों में बिलावर का आगे पीछे के क्षेत्रों से हर एक, चाहे वो बच्चा था, चाहे वो बूढ़ा था, चाहे वो जवान था, चाहे वो औरतें थी, हर एक को परेशान देखा गया है और हर एक एक ही दुआ मांग रहा था कि वो बच्चा जो डर के मतलब जैसे एक बच्चा डूब रहा था उसको देख के डर के वो बच्चा जो है वो कहीं चला गया हो और भगवान जो है उस माँ की गोद में दोबारा से वो बच्चा ले आए। तो सर ये हमने खुद देखा है, हमने लोकल लोगों को भी रोते अपनी आंखों से देखा है कि जो लोग उस बच्चे के लिए काफी दुआ मतलब लेकिन बदकिस्मती से सर बच्चे को बचाया नहीं जा सका। थैंक यू। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।